Hello students, I am your social science teacher. Today we will start our chapter 8 question answer. In our previous video we have completed our what exercise. Okay, now today we will continue our answer the folder. So our first question is, describe the functions of the Gram Puja. Why do you think he was powerful? आपको डिस्क्राइब करना है इसके फंक्शन ग्राम ऊर्जा के फंक्शंस क्योंकि वो पावरफुल क्यों थे. ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मैं ये जानना जरूरी हूँ कि किस जगह उनको ग्राम बोला जाता है. सो इन द नॉर्थ मैन पार्ट ऑफ कंट्री द ब्लीच हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम ऊर्जा. जो नॉर्थन पार्ट कंट्रीज है वहाँ पर जो हेडमैन होता है ब्लेज का उसको बोलते हैं ग्राम भोजन. मतलब जो एक अपनी प्रजा के भोजन की व्यवस्था करता है वो ग्राम भोजन कहलाता है. द पास्ट वाज ही वाज द लार्ज लैंड ओनर डिसाइड एज लाइफ वाज पावरफुल द किंग ऑफ एंड यूज हिम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द ब्लेजेस. वो बहुत पहले तो उनके पास बहुत ज़मीन होती है, काफ़ी लार्ज लैंड होगा होते हैं वो, और किंग जो होते हैं मतलब देखिए ये तो लैंड ओनर हो गए ना, और फिर उन्हीं को आप किंग बोल सकते हो. फिर वही किंग जो है किंग ऑफ एंड यूज हिम टू कलेक्ट दैम, उनको कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. गांव से जो बहुत ज़्यादा टैक्स होता है ना उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे बड़ा होता है किंग. फिर उसके बाद जो सिटी बटी हुई होती है, जो ब्रिजेस बटे हुए होते हैं, उनके जो होते हैं ऑनर होते हैं उनके ग्राम बोज. ठीक है, तो एडमैन जिनको कहते हैं वो उनका काम ये होता है जगह जगह की जो भी जिस सिटी में वो रह रहा है वहाँ काम कराना और वहाँ से टैक्स को वसूल करना है. फिर ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समथिंग एज अ पुलिसमैन. सो उनके क्या पुलिसमैन और जज की तरह वो काम करते हैं. ही वॉज पावरफुल बिकॉज ही वॉज अ हाई डायरेक्टरी विलेज एडमैन. ही वॉज द लार्ज लैंड ओनर्स. सो वो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होता है और जमीन ज़्यादा भी बहुत होती है उनके पास. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज. आपको इसे क्राफ्ट पर्सन की लिस्ट को शो करना है जो कि प्रेजेंट में विलेजेस और सिटीज दोनों में क्या होती हैं, दोनों में ही अपना योगदान देती हैं और दोनों में ही अपना काम करती हैं. सो द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटी. ऐसे क्राफ्ट पर्सन जो कि विलेज और सिटी में अभी प्रेजेंट में हैं तो वो कौन से हैं देखते हैं. फर्स्ट इज ब्लैक स्मिथ, है ना, पहला है ब्लैक स्मिथ. दूसरा है कारपेंटर्स, जो आप घर पर फर्नीचर बनवाते हैं ना वो कारपेंटरिंग तो बनाते हैं. फिर थर्ड है वीवर्स. सो फर्स्ट इज ब्लैक स्मिथ, सेकेंड इज कारपेंटर, थर्ड इज वीवर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. This is your question number 1. Which of the iron tools shows on page 87 would have been important for agriculture? So the answer is plowshares would have been important for agriculture. The other tools used were sheaves and axes. जो कुल्हाड़ी बोलते हैं एक्सेस. ओके, सो एंड एक्सेस द अदर टूल्स लाइक टॉम नेल्स एंड हैमर. एंड हैमर्स वर यूज फॉर कारपेंट्री एंड ऑल्सो बाय आयरन स्मिथ्स. तो ये जो लोहे के बने हुए चीज जो टूल्स थे जैसे एक्सेस है ना, एक्सेस बनी हुई थी टूल्स है, टॉम नेल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं आयरन स्मिथ्स भी यूज़ किया करते थे और इनसे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन पंचमा पॉइंट्स. या फिर बुक में नहीं है मैंने बनाया नहीं. डिफाइन पंचमा पॉइंट्स. योर आंसर इज पंचमा पॉइंट वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर. वो जो पंचमा
टाउनशिप में, ठीक है। सो अगेन पंचमा पॉइंट्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर ऑफ राउंड इन शेप आइदर कट आउट ऑफ मेटल, और वो जो कट आउट होते हैं मेटल शीट्स पर, और मेड आउट ऑफ फ्लैटर्ड मेटल ग्लोबुलस, ग्लोबुलस ठीक है, ग्लोबुलर ये आर है, ठीक है, ग्लोबुलस। सो कभी कभी जो मेटल्स पे तो पंचमा पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये इन तरह की जो मैंने बताई ये शेप में होते हैं, ये मेटल से बने हुए होते हैं और सिल्वर से भी बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो डिफाइन श्रेणी, इनको हम श्रेणी बोलते हैं हिंदी में। सो डिफाइन श्रेणी, श्रेणी क्राफ्ट पर्सन्स बनाते थे, अभी हमने डिग्री का रूप में भी दिखा था। सो मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नोन एज श्रेणी, जो भी क्राफ्ट पर्सन का और व्यापारी का जो भी फॉर्म होता है उसको आप श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज, मतलब ये श्रेणी ऑल्सो सर्व एज बैंक मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एटीसी, मतलब ये जो श्रेणी होती है व्यापार भी करती है, बैंकों को ऑर्गेनाइज करती है, ये सारे काम ये करती है। सो स्टूडेंट्स अभी आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो आपको ये अच्छी राइटिंग में आपकी कॉपी में लिखना है। सो स्टूडेंट्स बाय, कीप वॉचिंग वीडियोज एंड कीप लर्निंग, टेक केयर।